हाँ मैडम मन्ने बोले नहीं बोल क्या बात तेरे घोड़े ने बोलू हूँ हाँ घोड़ा तो अभी आराम कर रहा है तभी तो बोलू हूँ कि उठ ले घोड़ा पैर पसारे बैठे अभी आराम कर रहा है घोड़ा अच्छा हाँ बाकी एक बात का ध्यान रखिए कौन सी बात का काला रंग देख के घोड़ा बहुत बिद गया मेरा क्यों काले रंग पे तो कभी मर मर जाए अच्छा इसीलिए तो मैंने आज काले कपड़े पहन रखे हैं कसम से काला काला रंग देखते ही तो लगाम तोड़ दे ऐसा है तांगे वाले हाँ धीरे धीरे बतला ले विजय को बढ़ रही है घोड़े को सुनाई ना दे हाँ मैडम बोल तो सुनने दे उसे भी तो पता चलना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं मन दिखे नाश करवाओगी क्यों बात बता क्या बात मुझे जाना है अपनी ससुराल तो यूं बता अकेली और रात्रि के 8 बज रहे हैं तेरे साथ और भी कोई है या अकेली है अकेली हूँ अकेली क्यों कर चली आई कहाँ से आई है अपने मायके थे कौन से गांव से सोडावास से और जाएगी कहाँ बाटखानी बाटखानी ये बाटखानी क्या है पड़ोस में काम पड़ा है पागल नहीं बाटखानी क्या है तेरे घर है तेरे ही तो घर जाऊंगी मैं बाटखानी जाना है और ये कौन सा गांव है तू बोल के बता है खड़े बनौड़ा की कौन सा भी होगा कौन सा गांव है वो पता नहीं नहीं बता सही पता नहीं क्यों नहीं पता असली नाम क्या है तू ये बता मैंने बाटखानी छोड़िया बाटखानी में क्या है खड़े बनौड़ा की बात तेरी ससुराल अरे रुकी जा ये कम से कम किसे बढ़िया गांव में तो अपनी ससुराल कर लेती अरे बहुत अच्छा गांव है इससे बढ़िया तो बलडोद में कर लेती बढ़िया गांव है नहीं 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 कमी के है नहीं नहीं अरे रुक जाओ मुझे बाट खानी अच्छा लगता है अच्छा हाँ बाट खानी हाँ ये बाट खानी में बाट बाट के खाया करें ऐसा कुछ नहीं है असली नाम पता चल जाएगा ना कूदा कूदा डोलेगा है? असली नाम क्या है तू बता दे इसने अपने काम का असली नाम चल कोई बात नहीं मन्ने के लेना मन्ने तो अपनी सवारी तक अपने धंधे ते मतलब है छोड़िया मने तन्ने छोड़िया हूँ हाँ पक्का पक्का कितने बजे पहुंचना है ए? यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मुश्किल से नहीं कितने बजे पहुंचना है अभी जाना है अभी मैं अभी नहीं जा सकता क्यों नहीं क्या दिक्कत है मैं तो सुबह 4 बजे पहुंचा सकता हूँ सुबह 4 बजे मैं जाके क्या करूंगी मन करे तो हाँ भर लेना तो जा देख ऐसा मत करे मैं अकेली हूँ तो रात का समय है देख इवे मन ने हो रहा नशा नशा किस चीज का कई नशे के चक्कर में तांगा इधर उधर घुमा दिया कदे तू बाटखानी पहुंचे तांगा पहुंचे अलवर जाके अरे सीधा रास्ता है कहीं मोड़ तोड़ नहीं है नहीं मोड़ तोड़ो मैं चला कर सीधे रास्ते में चला कर छोड़िया देखे मैं सीधे रास्ते से नहीं जाया करता तोड़ मोड़ वाले से जावे हाँ मैं तो इसमें बहुत ज्यादा मोड़ है मैं जाऊंगा सोडावास खड़ी है ना तू ब्रेकर भी बहुत है हाँ यहाँ से जाऊंगा बैरोड अच्छा और बैरोड से जाऊंगा नीमराणा इतनी दूर क्या करेगा नीमराणा से जाऊंगा साजापुर साजापुर से जाऊंगा जाट बैरोड जाट बैरोड से जाऊंगा फिर भुरगड़ा और बता और फिर खोरी फिर और फिर कोई पता ना कोलीला में बढ़ सकूं उसके बाद तो बाट खानी पहुंचा देगा 4 बज जाएंगे इतनी देर में 4 ही बजावेगा तू ऐसे और ज्यादा कोई समय बच गया तो 2 घंटा पहाड़ियों में भी रह सकूं देख मजाक तो मत करे रात का समय है और हाँ। ये बता कितना किराया लेगा किराया किराया तो तू तेरे मन कर कुछ भी दे दिए और इतना भी विश्वास कर ले कितना अकेली नहीं छोड़ूंगा एक मैं एक तू एक मेरा घोड़ा देख 3 प्राणी रहेंगे और कोई नहीं 3 प्राणी तो ठीक है लेकिन तेरे से तो इतना डर नहीं लगता लेकिन जो तेरा घोड़ा है ना हाँ। इस घोड़े से बहुत डर लगा घोड़े से ही मत ना डरिए
क्यों? तेरी कसम जितना डर रही है उतना ज्यादा प्यार भी करया करे। यो घोड़ा प्यार करके क्या करेगा? अरे तन्ने में नहीं बेरा, तन्ने इसका प्यार नहीं देखा? देखना भी नहीं, आज देख ले। बोल, मेरी बात सुन। सुना? छोड़िया मुझे। अच्छा ये तो बता, हाँ? कितनी कितनी फीस है तेरी? अरे फीस में बता दूंगा, फीस पे मत ना डरे। अच्छा हाँ, बिठाले मने तांगे में, हाय बैठ मेरे तांगे में, तेरे तांगे में जब ही तो बैठूंगी जब इस घोड़े को तांगे में जोड़ेगा। यो घोड़ा तो तेरा अलग बैठा है, पहले बैठियो अपने आप लग जाओगा। अच्छा बिठाले मने, बिठाले मने तांगे में, बिठाले मने तांगे में, मने जाना से ससुराल किराया के ले वे तू, किराया के ले वे तू, किराया के ले वे तू, किराया के ले वे तू। ओए बैठ मेरे, हे बैठ मेरे, हे बैठ मेरे तांगे में, बैठ मेरे तांगे में, छाई कभी करे मत काल, किराया के ले वे तू, किराया के में रुकेगा दिख रहे देख के शहर आराम फरमा रहा है।
ये जिस काम को वोट लेता पूरा करके छोड़ता है। तूने कैसे जानी? हाँ? अरे मेरा घोड़ा है, मेरा इसका दिन रात का संगम है। हाँ। हाँ। देख रात होने लग रही है। फिर बढ़िया ही तो है, जितनी रात हो जाएगी उतना दूर नहीं जाना है। जितनी रात हो जाएगी उतना फायदा है। किस चीज का फायदा? तेरे लिए भी मेरे लिए भी। देख सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी हूँ। चिंता क्यों कर रही है? खाना भी मिलेगा। अच्छा? दाना भी मिलेगा। मैं कोई घोड़ी हूँ जो मुझे दाना मिलेगा? और पीना भी मिलेगा। दाना तो अपने घोड़े को दे। मन दूर घना जाना से तेरे छिप गया हुआ अंधेरा। तने ना एकली छोड़ूंगा, तने ना एकली छोड़ूंगा, विश्वास तू कर ले मेरा। तने ना एकली छोड़ूंगा, विश्वास तू कर ले मेरा। अपना ही खोऊंगा। हाँ? कुछ अपना ही खोऊंगा, पता क्या कर लूंगा तेरा। कुछ अपना ही खोऊंगा, पता क्या कर लूंगा तेरा। धर्म मेरा। हाँ? धर्म मेरा। हाँ? धर्म मेरा घट जाएगा। हाँ? धर्म मेरा घट जाएगा। हाँ? मेरा कर दे तू बुरा हाल, गिराया अकेले वे तू, गिराया अकेले वे तू, अकेले वे तू, गिराया अकेले वे तू। बैठ मेरे, बैठ मेरे, बगैर पूछे रहे आ? नहीं किराया पूछना है, अगर मेरे पास इतने पैसे ना हुए तो। किराया सुन ले, अगर बैठेगी सबसे पासली सीट पे। हाँ? अगर बैठेगी सबसे पासली सीट पे तो रुपया लूंगा 500। सबसे पीछे? हाँ। 500 रुपए? हाँ। अगर बैठेगी बीच में? हाँ। रुपए लूंगा 250। बीच की सीट के 250 रुपए? हाँ, बीच की सीट सस्ती रहा करे ना। अच्छा। अगर बैठेगी आगे, सारा सारा किराया माफ। वो क्यों? अगली सीट का कोई किराया नहीं। आगे ना बैठूंगा? नहीं, आगे ये वीआईपी सीट है। आगे मैं नहीं बैठूंगी, तेरा घोड़ा लात मार देगा। नहीं, इस पे या तो कोई जानकार आदमी बैठता है या कोई वरिष्ठ नागरिक बैठता है। अच्छा, वीआईपी सीट है ये? हाँ, इसका कोई किराया नहीं है। मुझे नहीं बैठना आगे, तो बीच में ही बैठा के। इतना जरूर है कि घोड़ा जरूर एक दो लात भी मार सके। मुझे ना जेल नहीं इसकी लात। कदा कदा प्यार में पूंछ भी मार सके। तू मेरी बात सुन। सुना पैसे मांगू ना तेरे ते पैसे मांगू, तो प्यार के बोल सुना दे। ना तेरे ते पैसे मांगू, तो प्यार के बोल सुना दे। मन साप दिख रहा छोरे, ना तेरे ठीक इरादे। हाय, ना कुआ खाली होता। हाँ? ना कुआ खाली होता। हाँ? मुझको दो घूंट पिला दे। ना कुआ खाली होता, मुझको दो घूंट पिला दे। Oh,
बोल और कुछ कहना है? तुझे कुछ कहना है और? ना मन्ने तो कुछ नहीं कहना। ये पैसे किसके आगे तेरे पे हैं? ये घोड़े के दाने के आए। हेलो, यहाँ को घोड़े ने कस के खुराक दे दे, कदे रात के थकान महसूस हो जा। और ये देख जगदम्बा वाइंस, जगदम्बा वाइंस सोडावास जगदम्बा, हेलो जगदम्बा वाइंस सोडावास से आदरणीय है हाँ। विजय यादव जी 500 पहले और 600 1100 रुपए दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। बोला भाई ये ठेकेदार अभी अभी पहुंचा आनंद लेवा, इनसे जितना निकालना इनाम निकाल ले। घोड़ा ने तो फातो रही है, ये ठेकेदार अभी अभी पहुंचे हैं, इनने जितना भी माल इनाम मेरा ले ले, बढ़िया बढ़िया। देखिए तो लेना देना प्यार का हो जा करे, प्यार में लिया जाए प्यार में दिया जाए। दशरथ यादव जी पावटा 500 रुपए पहले दिए, 500 रुपए और 1000 रुपए से पार्टी का सम्मान, राव साहब का जोरदार तालियों से मान सम्मान, जोरदार तालियों से। और सुन, सुना मैं ऐसी वैसी छोरी नहीं हूँ जैसी तू समझ रहा है। अब तू किराया दिए ना दिए पर तांगे में बैठ ले। चल तेरे तांगे में बैठ जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है तेरी? तुम कहते हो कि 4 बजे तक पहुंचाओगे। हाँ 4 बजे तक पहुंचा दूंगा। उसके बीच में क्या करोगे है? उसके बीच में कहाँ ले जाओगे? जहाँ तू चलेगी। एक जगह ले चलना है। कहाँ? तुम मुझे बावल लेके चलोगे। बावल? हाँ। बावल क्या करेगी? वो बाबा भारती है ना। अच्छा। उसके पराठे खाऊंगी और उसके बाद तुम मुझे मेरी ससुराल छोड़ के आना। अच्छा, नूनी घी का चस्का पड़ गया लगा था। बिल्कुल, आप पराठे ये तो सुनील भारद्वाज जी के घर भी मिल जाएगी। नहीं नहीं है? ऐसे पराठे नहीं मिलेंगे जैसे वो, और उन्होंने 1100 रुपए भी भिजवाए तुम्हारी पार्टी के लिए। अच्छा हाँ, मौज होगी बाबा भारती। ठीक है, पराठे वाले कोई दिक्कत नहीं, रात वहीं बिसारेंगे। बिल्कुल, पराठे खा खा के रात वहीं कटेगी, चिंता क्यों करे। अब सुन मेरी बात। अब सुना तू अपनी बात। सॉरी। बिल्कुल। अच्छा, ये तो गलती कर दी हमने। कैसी? ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। कैसे? तू भले घरा की छोरी। बिल्कुल। और मैं, मुझे क्या पता। एक बात बताऊं, तेरी शादी होगी इतना ही तो है। हाँ। शादी के घमंड में मत ना रहिए। क्यों? अगर तू सहारेदार है तो बेसहारे हम भी नहीं। हाँ। अगर तू सहारेदार है तो बेसहारे हम भी नहीं। मैडम, अगर तू शादी शुदा है तो कवारे हम भी नहीं। लेकिन जो तेरी हरकत है वो तो ऐसी लगती है जैसे तू रंडवा हो। हाँ? तो बढ़िया ही तो है तेरे लिए, तो फायदा है। मेरे लिए फायदा क्यों है? हाँ? सीट खाली मिलेगी। अरे मुझे जरूरत नहीं है सीट की, तुझे तू नहीं जानता। हाँ? कहाँ गए हो मेरा सजन? वो तो गया तेरा सजन। हाँ, वो कुछ लेने के लिए गया है, भूख लग रही है मुझे। वो तो बारिश में आकर लिया। मत ऐसी वैसी समझे, मैं भले घर की छोरी। मैं भी हूँ अच्छे घर का, मैं भी हूँ अच्छे घर का, मेरे घर में सुंदर गोरी। मैं भी हूँ अच्छे घर का, मेरे घर में सुंदर गोरी। तू छोरे मने बता दे तेरी क्यों करनी चटोरी। हरे राम बैसला सीता, हरे राम बैसला सीता, उसकी हंसना है कमजोरी। हरे राम बैसला सीता, उसकी हंसना है कमजोरी।
के देवे तू, किराया के देवे तू, हाय किराया के देवे तू। हेलो रुक, तूने कही थी कि जो पीछे बैठेगी तो 500 रुपए। हाँ। देख 500 रुपए तो तुझे दे दिए। हाँ। और 500 रुपए एक और ले। अच्छा, हम दोनों चलेंगे। अच्छा, राजू जुनेजा जी पीछे बैठ के चलेंगे। अच्छा, और मैं भी पीछे बैठूंगी। गारंटी गिरने की को ना। फिर देख तेरे घोड़े की टांग ऊपर कैसे हो गए। अरे ये तो ऐसे ही चला करा, इसी की स्पीड चला करा जब काम शुरू कर दे। चला जाएगा इस पे। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। भाई राजकुमार जुनेजा जी एनडीजे कैसेट कंपनी के निर्माता, जो आज दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान नहीं जल्दी बोल रहे, जो हरियाणवी रागनियों से, हरियाणवी एल्बम, हरियाणवी डीजे सॉन्ग से जो आज ये एनडीजे कंपनी जानी जाती है, जिसमें छोटे से लेकर के बड़े कलाकार सभी आपको देखने को मिलते हैं। आइए 1000 रुपए पहले भी दे चुके हैं, 1000 रुपए से और इस पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं, जो आज इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड भी करके ले जा रहे हैं अपने कैमरों के द्वारा, अपनी कंपनी के द्वारा, जो लगभग 10 या 15 दिन में ये सारा बरडोद राजस्थान कंपटीशन आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, इंटरनेट पर देखने को मिलेगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए पूरी कंपनी के लिए, जोरदार ताली।